हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप अपने घर में स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियां बनवाने जा रहे हैं और अगर आपको सीढ़ियों के बारे में यह नहीं पता कि हैंडरेल, स्टेप्स, ट्रेड, राइजर, न्यूल पोस्ट, सोफिट स्लैब और लैंडिंग इन सब का आपको क्या साइज रखना चाहिए या एक स्टेयर केस में ये सब चीजें क्या होती हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेयर केस के बारे में 25 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि एक अच्छी सीढ़ी बनाने के लिए आपको कम से कम कितनी जगह चाहिए या कम से कम कितनी जगह में आप एक अच्छी स्टेयरकेस बना पाओगे ताकि आपका जीना मजबूत बने और आपको सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने में कोई परेशानी ना हो, ये कंफर्टेबल रहे। क्योंकि दोस्तों सीढ़ियां हमारे घर का एक बहुत ही अहम हिस्सा होती है जिसका प्रॉपर साइज और लोकेशन हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ वास्तुशास्त्र में भी सीढ़ियों को बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंस दी गई है, इसलिए सीढ़ियां बनवाते हुए आपको सीढ़ी के प्रॉपर साइज और लोकेशन की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस इंपोर्टेंट वीडियो में मैं मेनली चार चीजों पर फोकस करूंगा। नंबर वन, तो मैं आपको स्टेयरकेस के सभी पार्ट्स के स्टैंडर्ड साइजेस के बारे में बताऊंगा। नंबर टू, हम स्टेयरकेस के मिनिमम साइज रिक्वायरमेंट के बारे में देखेंगे कि स्टेयरकेस बनाने के लिए आपको कम से कम कितनी जगह लगेगी। नंबर थ्री, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने घर में सीढ़ियां किस किस लोकेशन पर प्रोवाइड करनी चाहिए और किन लोकेशन को अवॉइड करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको सीढ़ियों को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट वास्तु टिप्स भी दूंगा। मींस आज आपकी स्टेयरकेस को लेकर जितनी भी कंफ्यूजन है हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी अगर आप अपने घर में सीढ़ियां बनवाने जा रहे हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद ही स्टेयरकेस बनवाना स्टार्ट करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यकीनन अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक तो आप लोग कर ही दोगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मैं आपको स्टेयरकेस के सभी डिफरेंट पार्ट्स के साइज के साथ साथ इन सभी पार्ट्स के बारे में भी बताता चलूंगा ताकि आपको यह भी क्लियर हो सके कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। यह स्पेशली उन भाइयों के लिए बेनिफिशियल होगा जिन्हें स्टेयरकेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहली टेक्निकल टर्म है ट्रेड। तो स्टेप्स का जो ऊपर वाला ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, जैसा कि आप देख रहे हो जहां हम अपना पैर रखते हैं सीढ़ियों पर ऊपर या नीचे जाने के लिए, इसे ट्रेड कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो। तो सीढ़ियां बनवाते हुए सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि आपकी जो ट्रेड की विड्थ है मींस चौड़ाई, वह कभी भी 25 सेंटीमीटर 250 एमएम मींस 10 इंच से कम नहीं होनी चाहिए और 300 एमएम मींस 12 इंच से ज्यादा। यह ट्रेड का 10 से 12 इंच का साइज स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर आप ट्रेड साइज 10 इंच से कम रखते हो तो सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय आपका पैर छोटा पड़ने की वजह से आप स्लिप हो सकते हो और मेजर इंजरी हो सकती है, इसीलिए आपके ट्रेड का साइज 10 से 12 इंच के बीच में ही होना चाहिए। वैसे घरों के लिए ट्रेड का आइडल साइज 10 इंच का है। सेकंड टेक्निकल टर्म है राइजर। दो लगातार ट्रेड के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसे राइज या राइजर कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो सीढ़ियों के स्टेप्स की वह ऊंचाई जिस पर हमारा पैर टक्कर मारता है उसे राइजर कहते हैं। आप यह देख रहे हैं यह खड़े वाला हिस्सा राइजर है जो ट्रेड के साथ कनेक्ट रहता है और ट्रेड को सपोर्ट देता है। तो सीढ़ियां बनवाते हुए आपको दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि जो आपकी राइजर हाइट है वह 150 एमएम यानी के 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए और 200 एमएम यानी के 8 इंच से ज्यादा। आपको राइजर हाइट हमेशा 6 से 8 इंच के बीच में ही रखनी है, न कम न ज्यादा। वैसे नॉर्मल हाउस के लिए 6 इंच की राइजर हाइट बेस्ट रहती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। थर्ड है स्टेप। एक ट्रेड और राइजर से मिलकर एक स्टेप बनता है, मींस स्टेप एक ट्रेड और राइजर का कॉम्बिनेशन होता है, यह पूरा एक स्टेप है। तो थर्ड आपको यह ध्यान रखना है कि एक स्टेयर्स मींस सीढ़ी के एक स्टेप की विड्थ यानी कि चौड़ाई आपकी कभी भी 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए और 5 फीट से ज्यादा एक नॉर्मल हाउस के लिए। कमर्शियल पर्पज के लिए इसे आप 6 फीट तक भी रख सकते हैं, पर घर की सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 3 फीट रखनी है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। फोर्थ है हैंडरेल। ये हैंडरेल है जिसका काम होता है सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय हाथों को सपोर्ट देना। तो रेलिंग की हाइट आपको हमेशा 2.5 फीट से 3 फीट मैक्सिमम रखनी है, 2.5 फीट से कम आपको रेलिंग की हाइट नहीं रखनी है ताकि हर हाइट का व्यक्ति इसे आसानी से यूज कर सके। और यह रेलिंग आपकी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए, मींस घड़ी के घूमने की दिशा में,
क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, इसलिए इसे हमेशा राइट हैंड साइड में ही लगवाएं। नेक्स्ट, अगर बात करें लैंडिंग की, तो जो दो फ्लाइट्स के बीच में एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म छोड़ा जाता है उसे लैंडिंग कहा जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लैंडिंग है। पहले आप ये समझो कि ये दी क्यों जाती है हर स्टेयर के फ्लाइट में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेनली इसके दो कारण है। पहला तो ये किसी भी स्टेयर केस की डायरेक्शन चेंज करने के लिए दी जाती है, और दूसरा सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते समय यूजर के रेस्ट पर्पस से प्रोवाइड की जाती है, ताकि सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए आप इन पर रुककर थोड़ा रेस्ट कर सके। तो फोर्थ बात आपको यह ध्यान रखनी है कि वैसे तो लैंडिंग की विड्थ कभी भी स्टेयर्स की विड्थ से कम नहीं होनी चाहिए, पर अगर मिनिमम लैंडिंग विड्थ की बात करें तो लैंडिंग की विड्थ 2.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए और 3.5 फीट से ज्यादा। तो लैंडिंग विड्थ का भी आपको खास ध्यान रखना है। छठा है न्यूल पोस्ट। ये न्यूल पोस्ट है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये कॉलम जैसा ही है जो हैंडरेल को सपोर्ट करता है और फ्लाइट के टॉप और बॉटम में प्रोवाइड किया जाता है। इस न्यूल पोस्ट की हाइट आपको रखनी है 75 से 90 mm तक हैंडरेल के ऊपर। नंबर 7 है 100 फीट या वेस्ट स्लैब। स्टेयरकेस के निचले हिस्से को 100 फीट या वेस्ट स्लैब कहते हैं। ये वाले जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, ये वेस्ट स्लैब है। ये जो इंक्लाइंड स्लैब है जिस पर आपकी स्टेयरकेस कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो ये जो थिकनेस है वेस्ट स्लैब की, ये थिकनेस आपको कभी भी 6 इंच से कम नहीं रखनी है। आपने जनरली ऐसे स्टेयरकेस कोलैप्स होने के केस जरूर देखे होंगे। इनके कोलैप्स होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, वेस्ट स्लैब की थिकनेस प्रॉपर ना होना या बहुत कम होना। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। नंबर 8 है पिच या एंगल ऑफ स्टेयरकेस। अब ये पिच क्या है? पिच स्टेयरकेस का वह एंगल या स्लोप होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपकी सीढ़ियां कितनी तिरछी और कंफर्टेबल रहनी चाहिए। ये वाला एंगल जो फ्लोर के साथ बनता है, ये एंगल आपका कभी भी 38 डिग्री से कम और 42 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में ही होना चाहिए, जो आपके स्टेयर के साइज पर डिपेंड करता है। नहीं तो आपको सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में थकान और परेशानी होगी। तो सीढ़ियां बनाते हुए स्टेयरकेस के इस एंगल का भी जरूर ध्यान रखना है। नंबर 9 है हेडरूम। हेडरूम ट्रेड सेंटर से आपके ऊपर फ्लोर की सीलिंग तक के वर्टिकल डिस्टेंस को कहते हैं, या देसी भाषा में लोग इसे ममटी भी बोलते हैं। और किसी भी सिचुएशन में आपका यह वर्टिकल डिस्टेंस 2.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ताकि हर हाइट का आदमी स्टेयरकेस आसानी से यूज कर सके और उसका ऊपर सीलिंग में सर न टकराए। तो यह बात भी स्टेयरकेस बनाते हुए आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 10 फ्लाइट। अब ये फ्लाइट क्या है? तो फ्रेंड्स, फ्लाइट स्टेयरकेस की एक अनब्रोकन सीरीज को कहते हैं जो लैंडिंग से ही शुरू होती है और लैंडिंग पर ही खत्म होती है। जैसे ये हमारी टोटल एक फ्लाइट है और ये दूसरी फ्लाइट, ये लैंडिंग है इनके बीच में। तो फ्लाइट में मेनली आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आपकी एक स्टेयरकेस फ्लाइट में कम से कम 3 स्टेप होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 12 स्टेप। एक फ्लाइट में आपको कभी भी 12 से ज्यादा स्टेप नहीं रखने चाहिए, ये फ्लाइट का एक स्टैंडर्ड होता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि हमेशा आपके दो फ्लाइट के बीच में कम से कम 1 फीट का गैप जरूर होना चाहिए। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 11 कंक्रीट मिक्स फॉर स्टेयरकेस। अब आपका जो स्टेयरकेस में कंक्रीट मिक्स यूज होगा, वह आपको कभी भी 1:2:4 के मिक्स रेशो से कम नहीं यूज करना है, यानी कि 1 part सीमेंट, 2 part सैंड और 4 part एग्रीगेट के। नंबर 12 स्टील रिइंफोर्समेंट। आपको सीढ़ियां बनवाते हुए हमेशा यह ध्यान रखना है कि आप स्टेयरकेस में जो सरिया यूज करोगे वह 12 mm से कम डाया का यूज नहीं करना है। यह आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जीने में 8 या 10 mm का सरिया यूज कर लेते हैं जो सही नहीं है और बाद में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और कभी भी स्टेयरकेस में 12 mm से कम डाया का बार यूज ना करें। नंबर 13 एक अच्छी स्टेयरकेस बनाने के लिए आपको बिल्डिंग हाइट कभी भी 10 फीट से कम नहीं रखनी है, यानी कि आपकी फ्लोर टू फ्लोर बिल्डिंग हाइट कम से कम 10 फीट जरूर होनी चाहिए। नंबर 14 आप हमेशा ध्यान रखें कि एक अच्छी स्टैंडर्ड साइज स्टेयरकेस बनाने के लिए आपके रूम की विड्थ कम से कम 6 फीट और हाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 10 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 10 feet by 6 feet में आप एक अच्छी स्टेयरकेस बना पाओगे, ताकि इससे सामान उतारने या चढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो है एक सीढ़ी बनाने के लिए सभी स्टैंडर्ड साइज की गाइडलाइंस। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें सीढ़ी बनाने के लिए कम से कम कितनी जगह की जरूरत होती है, जो ज्यादातर लोगों की ये कंफ्यूजन रहती है अपने घर में सीढ़ियां बनवाते हुए कि स्टेयरकेस का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए
कि किसी भी स्टेयरकेस का साइज मेनली पांच फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन से? नंबर वन, टाइप ऑफ स्टेयर्स, कि आप किस टाइप की सीढ़ी बनाना चाहते हैं, स्पाइरल, सर्कुलर, स्ट्रेट या डोगलेट। सेकंड, ये डिपेंड करता है आपके प्लॉट साइज पर, कि आपके प्लॉट का साइज क्या है। तीसरा, ये डिपेंड करता है राइजर हाइट पर, कि राइजर की हाइट आप क्या रखते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी राइजर की हाइट होगी उतना ही ज्यादा आपका स्पेस लगेगा। चौथा, फ्लोर लेवल से बिल्डिंग की हाइट क्या है उस पर। और पांचवा, ये डिपेंड करता है आपकी फ्लाइट की विड्थ मींस चौड़ाई पर। तो मेनली इन पांच फैक्टर पर किसी भी स्टेयरकेस का मिनिमम साइज डिपेंड करता है। पर फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको स्टेयरकेस बनाने के लिए कम से कम 48 स्क्वायर फीट जगह तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें आप एक स्ट्रेट स्टेयरकेस बना पाओगे। तो आई होप के अब आपकी ये कंफ्यूजन भी क्लियर है कि आपको स्टेयरकेस बनाने के लिए कम से कम कितनी जगह चाहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और एक बात कि अब मैं जो ये 10 बातें बताने जा रहा हूं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वास्तु शास्त्र में बिलीव करते हैं, जो नहीं करते वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वास्तु, घर में सीढ़ियों के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, हमें किन किन डायरेक्शन में सीढ़ियां बनानी चाहिए और किन किन डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीढ़ियां हमारे घर का एक बहुत ही मेन हिस्सा होती हैं, जो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के साथ साथ हमारे जीवन पर भी विशेष प्रभाव डालती हैं। इसीलिए वास्तु में सीढ़ियों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसलिए मकान बनाते हुए या खरीदते हुए हमें सीढ़ियों की सही दिशाओं का भी जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सीढ़ियों की सही दिशाओं का ध्यान रखेंगे कैसे, अगर आपको यह पता ही नहीं होगा कि सीढ़ियां किस दिशा में होनी चाहिए और किस दिशा में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि सीढ़ियों के लिए सही दिशाएं कौन कौन सी हैं। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु, सीढ़ियों के लिए तीन डायरेक्शन सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, साउथ, वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मींस दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम कॉर्नर को, जिसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट और एक्सीलेंट डायरेक्शन है स्टेयरकेस के लिए। सेकंड, आप पूरी की पूरी सीढ़ियां या तो दक्षिण में बना लें या पूरी पश्चिम में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के कंपैरिजन में साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट हमेशा भारी होना चाहिए। वैसे आप साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी सीढ़ियां बना सकते हैं, पर साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन सीढ़ियों के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। तो सीढ़ियां बनाते हुए सही दिशाओं का भी जरूर ध्यान रखें। तो आइए अब मैं आपको स्टेयरकेस के बारे में वास्तु से रिलेटेड कुछ 10 जरूरी बातें बताता हूं। तो सबसे पहली बात कि आपकी स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियां हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के घूमने की दिशा में ही होनी चाहिए, यानी कि पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व दिशा की ओर। जितना हो सके आपको एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर से बचना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी भी इसी दिशा में घूमती है, इसलिए सीढ़ियां चढ़ते हुए आपकी एनर्जी कम लगेगी और आपको थकान कम महसूस होगी। दूसरी बात, नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि पदों की संख्या हमेशा विषम यानी कि ओड रखें, जो संख्या 2 से भागना हो सके, जैसे 9, 11, 13, 17, 19, 21 एक्सेट्रा। तीसरी बात, जितना हो सके सर्कुलर और स्पाइरल स्टेयरकेस घर में अवॉइड करें, यह वास्तु के हिसाब से सही नहीं होती। चौथी बात, अगर आप सीढ़ियां सही दिशा में भी बनाते हो साउथ और वेस्ट में, तब भी आपकी सीढ़ियां या तो पूर्व से शुरू होकर पश्चिम की ओर जानी चाहिए या उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की तरफ, क्योंकि सीढ़ियां एनर्जी कैरियर होती हैं जो अपने साथ एनर्जी कैरी करके चलती हैं, इसीलिए इनकी शुरुआत हमेशा अच्छी दिशाओं से ही हो ताकि ये अपने साथ अच्छी एनर्जी लेकर चले। पांचवी बात, आपको यह ध्यान रखनी है कि सीढ़ियों के नीचे की जो जगह है वह आपको हमेशा खाली रखनी है, यहां किसी भी तरह का टॉयलेट, बाथरूम, किचन और मंदिर वगैरह नहीं बनाना है। यह जगह आप डिफरेंट तरह के इंडोर प्लांट से डेकोरेट कर सकते हैं और अगर जगह की कमी हो तो स्टोर बना सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस जगह को खाली रखें। छठा, आपको सीढ़ियों पर न शुरुआत में, न बीच में और न सीढ़ियों के एंड पर किसी भी तरह की भगवान की फोटो, पोस्टर, घर वालों की फोटो वगैरह नहीं लगानी है। यहां आप फूल या माउंटेन वगैरह की पेंटिंग लगा सकते हो। सातवां, आपके फ्रंट गेट के सामने मींस घर की एंट्री के सामने स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा दाएं बाएं बना सकते हो पर बिल्कुल सामने न हो। नंबर 8, ऑलवेज अवॉइड डार्क कलर्स फॉर स्टेयरकेस, मींस आपको सीढ़ियों में हमेशा डार्क कलर्स और पेंट अवॉइड करने हैं, और खासकर डार्क ब्राउन, डार्क ग्रे और ब्लैक कलर, हमेशा लाइट कलर ही अपनी सीढ़ियों में यूज करना है। और नंबर 9, सीढ़ियों के स्टेप्स पर भी चाहे आप ग्रेनाइट लगवा रहे हो, मार्बल लगवा रहे हो या टाइल्स, आप कुछ भी लगवाओ पर ब्लैक, ग्रे और ब्राउन पत्थर यूज नहीं करने हैं, आप सफेद, पिंक और लाइट कलर पत्थर ही यूज करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये 25 बातें
आपको अपने घर में सीढ़ियां बनवाते हुए जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप के स्टेयरकेस की ये डिटेल्ड वीडियो जरूर आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी, और हो सकता है कि अभी भी आपको स्टेयरकेस के डिफरेंट पार्ट्स जैसे ट्रेड, राइजर, सोफिट, लैंडिंग और न्यूल पोस्ट वगैरह, इन सभी टर्म्स को समझने में कोई कंफ्यूजन रही हो, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए पहले ही स्टेयरकेस के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने स्टेयरकेस के सभी पार्ट्स को वन बाय वन इमेज के साथ समझाया है कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। और अगर फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।